बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात तेरी जमात के लिए अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पेज नंबर 61। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन। आप मेरे साथ पढ़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन अरब का मशहूर शहर मक्का मुकरमा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन अरब का मशहूर शहर मक्का मुकरमा है। मक्का मुकरमा दुनिया का सबसे पुराना और बाबरकत शहर है। मक्का मुकरमा दुनिया का सबसे पुराना और बाबरकत शहर है। इसके बहुत से नाम हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मक्का मुकरमा के 5 नाम ज़िक्र फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मक्का मुकरमा के 5 नाम ज़िक्र फरमाए हैं। नंबर एक मक्का। नंबर दो बक्का। नंबर तीन उम्मुल कुरा। नंबर चार करिया। नंबर पाँच अल बलद। मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला का घर है। मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला का घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, यानी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके, हन्ना काबा की तरफ। बैतुल्लाह हन्ना काबा को भी कहते हैं, ठीक है। हन्ना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके, रुख करके नमाज पढ़ते हैं। आगे ऊपर देखिए बच्चों, क्या आपको मालूम है हन्ना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है। हन्ना काबा की ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है बच्चों। आज आपने ये रीडिंग करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।